Hello students, I am going to start today's video with topic saturated solution. बच्चों suppose कीजिए आपके पास salt है और आपने उस salt को water में डाला और उसको stir किया, क्या होगा? Salt water में dissolve हो जाएगा. Now अब हम scene change करते हैं. Second scene में हमने sand लिया and उसको water में डाला and उसको stir किया. अब क्या होगा? आप देखोगे सैंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑल पार्टिकल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. कहने का मतलब है सारे पार्टिकल्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो सारे पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट एंड शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट्स वाई इनको सॉल्युबल सब्सटेंस कहा जाता है. बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे सैंड एंड चॉक पाउडर. दैट मीन्स दीज सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और आप इसको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज भी कह सकते हो. क्लियर है? नाउ हम इस एक्टिविटी को रीड करेंगे. इस एक्टिविटी के लिए आपको कुछ सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना है एंड आपको ये क्लियर करना है कि इनमें से कौन सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है एंड कौन सा सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल है. आप इस एक्टिविटी को घर पे भी ट्राई कर सकते हो. एंड जिन सब्सटेंस की नीड है इस एक्टिविटी के लिए वो है सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, टैल्कम पाउडर, कॉफ़ी पाउडर एंड ब्लू इंक. ये सारी चीज़ें आपके घरों पे इजीली अवेलेबल होंगी. क्लियर? आपको उसके बाद चार्ट बनाना है. इस चार्ट में सॉल्युबल सब्सटेंस को एक रो में रखना है एंड इनसॉल्युबल को अलग रो में रखना है. ठीक है? नाउ द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्ट. जब आप सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हो तो इस केस में सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है. तो जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहा जाता है. एंड जो सब्सटेंस उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है. सो अगर हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट की मिक्सचर है तो इस मिक्सचर में सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हुआ एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ. क्लियर? नाउ जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो इससे सॉल्यूशन बनता है. यानी सॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेक्स्ट हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते. आपने नोटिस किया होगा कि जब आप वाटर में शुगर को डालते जाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है शुगर उसमें डिसॉल्व होना बंद कर देता है. इसका मतलब शुगर, जो शुगर सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया, वो सॉल्यूशन पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका है. अब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो एक्स्ट्रा शुगर को हम इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं. दैट मीन्स हीटिंग करने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. क्लियर है? नाउ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाते समय हमें सॉल्यूट को क्या करना है? कंटिन्यूसली स्टर करना है. ठीक है? उसको मूव करते रहना है, चलाते रहना है. एंड अगर पॉसिबल हो सके तो सॉल्यूट को क्रश्ड पाउडर फॉर्म में ले. इससे क्या होगा? ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.